हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं बनाना शेक, जो बहुत ही अच्छा रहता है, बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये एक हमने मिक्सी का जार ले लिया है, तो मिक्सी का जार हमने ले लिया है। और ये हमने ले लिए हैं केले, तो इसको छील लेंगे। और इस तरह से इसको जार में हम काट लेंगे। और इसी के साथ इसमें डाल देंगे हम, ये हमने ली हैं दो छोटी इलायची। तो ये इलायची ले ली हैं, तो इनको छील कर डाल देंगे हम। इसके साथ ही ये पिस जाएंगी जार में। और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी चीनी, तो ये दो चम्मच चीनी हम इसमें डाल देंगे। और ये हमने एक गिलास दूध लिया है, तो इसमें से हम अभी थोड़ा सा दूध इसमें डालेंगे, क्योंकि थोड़ा दूध डालने पर जब हम पीसेंगे तो केला अच्छे से पिस जाएगा। तो पहले इसको हम पीस लेते हैं। तो देखिए गाइस, ये हमारा बनाना इसमें पिस गया है। और अब इसमें हम ये बाकी जो दूध हमने लिया है इसको भी डालकर एक बार चला देंगे। तो देखिए गाइस, हमारा बनाना शेक बनकर तैयार है। तो अब इसको हम सर्व करेंगे। तो देखिए गाइस, हमारे बनाना शेक बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसको हम ऊपर से गार्निश करेंगे। तो हमने थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता लिया है, आप जो चाहें सो ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पिस्ता लिया है और उसको बारीक बारीक काट लिया है। और बनाना शेक बहुत ही हेल्दी होता है और बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। और गर्मियाँ आ ही गई हैं, तो बच्चों को बहुत ही पसंद भी आने वाला है। तो और इसमें मैंने ठंडे दूध का इस्तेमाल किया है। तो हमारा बनाना शेक बनकर तैयार है, आप इसे बनाइए। आपको कैसा लगा ये हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम मिलते हैं अगली कुकिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।